माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 10 आज्ञाओं में आज दूसरी आज्ञा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 पर मन चिंतन करेंगे। वहां पर लिखा है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। ये एक आत्ममारु पाप है, प्रभु का नाम को व्यर्थ में लेना। प्रभु के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना कर करके अनेकों जगहों पर इसके विषय में लिखा हुआ है। प्रभु का नाम हम लोग कैसे व्यर्थ में लेते हैं, इस पर आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले मैं लेकर के जाना चाहूंगा लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 12। लेवी चैप्टर 19 वर्स 12। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरा नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूं। ईश्वर का नाम को व्यर्थ में लेने का अर्थ यहां पर लिखा हुआ है, एक अर्थ यहां लिखा हुआ है, प्रभु का नाम को हम लेकर के झूठी शपथ कहते हैं। प्रभु का नाम लेकर के झूठ कार्य करता है। प्रभु के नाम पर हम जो गलत काम करते हैं ये सब प्रभु के नाम का अपवित्रीकरण है। यीशु के नाम लेकर के कई लोग बाइबल लेकर के पढ़ाते हैं, गलत गलत शिक्षाएं देते हैं, अपना मनमर्जी की बातें पाषंडताएं सिखाते हैं। जैसे हाल ही में मैंने क्लास लिया था, अनेकों लोग पवित्र आत्मा आता है, मुझ में पवित्र आत्मा का शक्ति है, मुझ में शैतान को निकालने का शक्ति है, चंगाई का शक्ति है, पता नहीं क्या क्या नाटक रच करके अपने को बड़ा दिखाते हुए प्रभु का नाम भी लेगा, लोगों को गिरा रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, लोगों के सामने हंसी का पात्र प्रभु को बनाया। अरे ईसाई लोग ये है, चीखने चिल्लाने वाला, गिराने वाला, पता नहीं क्या क्या पागलपन दिखाता है। ये प्रभु का नाम व्यर्थ में लेने का, पैसा कमाने का एक साधन आजकल प्रभु बन गया। बस प्रभु का नाम ले लो, बाइबल ले लो, सिखाने वाला बन गया। कुछ भी सीखा नहीं, कुछ नहीं, कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं, कोई अधिकार नहीं, किसी ने नियुक्ति नहीं किया, लेकिन स्वयं भू पास्टर बन करके अनेकों लोग ये कार्य कर रहा है, एक लक्ष्य लेकर के पैसा कमाना है। इससे पहले बाइबल पकड़ने के पहले साइकिल तक नहीं था, इसके बाद आजकल तो फोर व्हीलर हवाई जहाज में घूम रहा है, पैसा कमाना लक्ष्य लेकर के। इसलिए प्रभु यहां पर वार्निंग दे रहा है, जो मेरा नाम व्यर्थ में लेता है उसे अवश्य दंडित किया जाएगा। अध्याय 24 में भी जाते हैं, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 24 जी हाँ, वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। वाक्य 15 में लिखा है,
जो अपनी ईश्वर की निंदा करते हैं वह दोषी माना जाएगा। ये तो निंदा है, प्रभु का नाम लेकर के जो गलत गलत काम कर रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है, प्रभु का नाम लेकर के मुझे ये दर्शन मिल रहा है, वो दर्शन में ये देख रहा हूं वो देख रहा हूं बोल करके भविष्यवाणी करना है, ये सब प्रभु का नाम का नाम को व्यर्थ में लेना। एक रोमियो का पत्र दिया है 2:24, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मामले में सिखाने के लिए। रोमन्स चैप्टर 2:24 वहां पर लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। एक बार और मैं पढ़ता हूं, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। ये वचन को अपने हार्ट में, अपने हृदय में अंकित रखिए। यहां पर साफ साफ रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर का नाम का निंदा हो रही है। कैसे निंदा हो रही है? मैं एक ईसाई हूं, आप लोग जान रहा है मैं एक सुसमाचार का प्रचार करने वाला हूं। यदि मेरा जीवन ईसा मसीह के जीवन के अनुरूप नहीं है तो मेरे द्वारा, मेरे गलत कर्मों के द्वारा, मेरे गलत आचरणों के कारण मेरे ईश्वर का नाम का निंदा हो रही है। जिस जगह पर मैं रहता हूं पड़ोस पड़ोस सब जानते हैं मैं एक प्रभु का प्रचारक हूं, मैं एक कैथोलिक हूं, मैं एक ईसाई हूं। यदि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, अन्य बुराइयां हैं, मेरे घर में प्रार्थना नहीं, मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं, पड़ोसियों के साथ हमारा झगड़ा है, इसका मतलब है इसके द्वारा मैं एक बुरे उदाहरण प्रभु का दे रहा हूं, प्रभु का निंदा हो रहा है। आज सबसे बड़ी निंदा ये हो रहा है, ईसाई बन करके अन्य लोगों के बीच में बुरे उदाहरण दे रहा है। लोग जान रहा है ईसाई है, लेकिन हम लोग कैसे जीवन जी रहा है, नशा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या बुराई नहीं कर रहा है? कंपेयर करके देखो अन्य लोगों में और आप में क्या फर्क है, मिलेगा ईसाई लोगों की जिंदगी खराब है। जैसे मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, छत्तीसगढ़ के किसी गांव में मैं गया था, किसी घर में बैठा हुआ था, उस घर का 20-22 साल का एक लड़का पूरे दिन 24 घंटा नशे में पड़े रहता है। उस घर में उस समय पर एक मुसलमान आया, उनसे मैं बात कर रहा था, उस मुसलमान मेरे से कहते हैं इस गांव में हम लोगों का अनेकों परिवार है मुसलमानों का, हमारे एक लड़का भी, एक घर का एक व्यक्ति भी नशा नहीं करता। इस गांव के हैं हम लोग, सब खेतीबाड़ी करते हैं, मेहनती है, हम लोगों के बच्चे बड़े सब मेहनती लोग हैं, लेकिन यहां जितना भी इस गांव में जितना भी ईसाई परिवार है हर एक घर में नशा चलता है। एक बहुत बड़ा गलत उदाहरण हम लोग अन्य लोगों के सामने दे रहा है। इस प्रकार तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। ईसाई होकर के इस प्रकार का जीवन जी रहा है, ईसा मसीह की निंदा हो रही है। मैं बोलूंगा यही सबसे बड़ा प्रभु के नाम का पवित्रीकरण यही है। हम एक ईसाई बन करके जो प्रेम प्रभु ने हमें सिखाया, जिस प्रेम में रहने के लिए सिखाया, उस प्रकार का जीवन नहीं जीना। यदि हम लोग उपवास करें, परहेज करें, पता नहीं कितना क्या क्या नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में किसी भाई ने मुझसे पूछा, जैसे शोक ग्रंथ के अंदर लिखा है नववधु और जो वर अपना जो घर अपना कमरा छोड़ करके बाहर निकलाओ, शोक मनाओ, इस उपवास प्रार्थना के समय पर पति पत्नी को क्या अलग रहना है, उसके लिए भी लोग तैयार हो जाता है।
चर्चे नहीं सिखाते हैं। हाँ, जैसे कुरिंदियों का पहला पत्र दिया है 7 में संत पौलुस सिखाते हैं, यदि प्रार्थना के लिए यदि दोनों सहमत है अवश्य कुछ दिनों के लिए आप अलग रहने के लिए, 40 काल में आप लोग दोनों नियम किया अलग रहने के लिए अलग रह सकता है, लेकिन कोई नियम नहीं है 40 काल में उपवास के दिन में पति पत्नी अलग रहना जरूरी है, नहीं है, नियम नहीं है। सब तैयार है लेकिन अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं। खाना एक समय का दो समय का खाना छोड़ने के लिए तैयार, हर बुधवार को शुक्रवार को चर्च जाकर के क्रूस रास्ता करने के लिए जाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करेगा ये 40 काल में। लेकिन 40 काल खत्म हो गया, ईस्टर के दिन पूरा दारू पी करके मतवाला होता है, ये 40 दिन दारू छोड़ने से क्या मतलब हो गया, खाना छोड़ने से क्या मतलब हो गया। यदि हमारे अंदर ईश्वर का प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रभु जैसे जीवन नहीं जी रहा है, व्यर्थ है हम क्रिस्तीय बन करके रहना। इससे अच्छा है क्रिस्तीय मत बनो। यदि मेरा जीवन क्रिस्त के समान नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं, प्यार में रह नहीं सकता, अन्य जाति के लोगों के साथ प्यार में नहीं रह सकता, व्यर्थ है हमारा जीवन, क्रिस्तीय बोलने लायक नहीं है। हमें चाहे अन्य लोग चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमें प्यार की जिंदगी जीना है, प्रेम की जिंदगी जीना है। कुछ लोग, मैं बीती दिनों में कुछ क्लास डाला था जो गुंडागर्दी जो चल रहा है हमारे चर्च के ऊपर आक्रमण कर रहा है, इसके खिलाफ मैं किसी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ नहीं, मैं उन कट्टर आतंकवादियों के खिलाफ बोला। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त है हिंदू मुसलमान सब, मैं बहुत प्यार आदर करता हूं। हमें आवाज उठाना है उन गुंडों के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ जो शांति के जीवन जीने के लिए हमें नहीं दे रहा है, प्रार्थना का जीवन जीने के लिए नहीं दे रहा है। जो सच्चा हिंदू है, सच्चा जो ईश्वर भक्त लोग है, इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करता है। तो हमें एक सच्चा क्रिस्तीय बनने का मतलब है भ्रातृ प्रेम। जैसे मैंने एक क्लास अभी हाल ही में लिया था, 2 पत्रों में हमें लिखकर के दिया है, ईश्वर के साथ जुड़ने का मतलब है एक दूसरे के साथ भी हमें जुड़ने की जरूरत है, भ्रातृ प्रेम। वो धर्म को, वो भाषा बोली सब देकर के नहीं, सबों के साथ मित्रता, प्रभु का प्रेम अन्य लोगों में बहना चाहिए। मैं एक क्रिस्तीय होकर के प्रभु का प्रेम जब अन्य लोगों में बहाएगा, उन्हें प्रभु मिल रहा है। ये जबरदस्ती किसी को पकड़ करके आ जाओ डुबकी लगा दो ये बोलना, ये गलत है। हमारे कैथोलिक कलीसिया इसके खिलाफ बोलते हैं, हमें प्रभु का प्रेम देना है। जहां प्रभु का प्रेम नहीं है, चाहे हमारे घर में नहीं है, चाहे हमारे अन्य लोगों के साथ नहीं है, वहां पर हम प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया। प्रभु का नाम व्यर्थ में लेने का इस प्रकार का मतलब है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2148 के अंदर, 2148 के अंदर इस प्रकार करना ईश निंदा का पाप है, वो पहली दूसरी आज्ञा का उल्लंघन है, ये ईश निंदा का कार्य है। प्रभु को जानते हुए प्रभु को उचित आदर सम्मान नहीं देना, प्रभु जैसे जीवन नहीं जीना। और जैसे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, झूठी शब्द गाना हो, प्रभु के नाम लेकर के कुछ भी ऐसा व्यवसाय करना है, पैसा कमान करने का एक कार्य करना है, ये सब दूसरी आज्ञा का उल्लंघन है। किसी को शाप देना, याकूब का पत्र दिया है 3:9-10 तक यदि पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का नाम लेकर के या दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करते हुए दूसरों को बुराई हो जाए ये सोच करके उन्हें कर्स करना, उन्हें शाप देना, ये सब पाप है। कैटेकिस्म कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2148 में यह भी बोलता है, ईश निंदा का और इस प्रकार का शाप देना, ये सब दूसरों का नाश हो जाए ये अपना मन में भी आना, ये पाप है। और अपवित्रीकरण का पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बोला था,
जो सैक्रिलेजस, वो सेकंड नियम से भी जुड़ा हुआ है, प्रभु के नाम को व्यर्थ लेना या किसी मूर्ति हो जो पवित्र चीज है उसका अपवित्रीकरण करना, ये सब कैटेगरी 2145 के अंदर ये हमें बता कर दे रहा है। और पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं वो गलत रीति से अगर ग्रहण कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, पाप अवस्था में है नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अपवित्रीकरण का सैक्रिलेजिस का, प्रभु को अपवित्र, प्रभु का नाम को खराब करने का ये एक कार्य है। विशेषकर दूसरों के सामने हम लोग सही जीवन नहीं जी रहा है, और प्रभु का जो आशीष है, कई लोग हैं हाथ रखकर के प्रार्थना करने के लिए इतना हजार रुपया, तुम्हारे घर में शैतान है, मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, 10,000 रुपया चाहिए, शैतान को निकाल देंगे, तुम्हारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल करके प्रभु के जो आशीष, वो प्रभु का आशीष मैं नहीं बोलूंगा, शैतान का आशीष, लेकिन प्रभु के नाम पर वो आशीष को भेजने वाला सेकंड कमांडमेंट का जो निंदा कर रहा है, आत्मा मारू पाप करते हैं। कैटेकिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2121 में ये हमें सिखाते हैं, पैसा लेकर के ब्लेसिंग देना, आशीष देना, घर में आकर प्रार्थना करने के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए पैसा लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। पैसा के लिए कार्य करना, हमें मालूम है प्रेरितचरित अध्याय 8:18-19 वहां पर 8 के अंदर वो जो एक सिमोन के विषय में लिखा हुआ है, साइमन वो मजिशियन था, उन्होंने देखा शिष्य लोग हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे, सब लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, गिर नहीं रहता, ये नहीं सोचना, शिष्य लोग हाथ रख करके प्रार्थना किया, कोई गिरता हुआ देखा, अरे हमें भी ऐसा गिराना है, ये सोच करके नहीं, शिष्य लोग हाथ रखकर प्रार्थना किया तो लोग पवित्र आत्मा से भर गया, लोगों का जीवन बदलता हुआ देखा, तो साइमन भी शिष्य लोगों को आकर के कुछ पैसा देकर के उसे खरीदने के लिए। यदि आप किसी को अपना घर बुला करके यहां प्रार्थना करो, शैतान को निकाल दो, उसके लिए प्रार्थना दे रहा, पैसा दे रहा है, आप भी गलत कर रहे हो। अनेकों लोग चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए जाते हैं, भटकते हैं यहां वहां, और उन लोग बोल रहे इतना दे दो, उतना दे दो, देने वाला लाखों देने वाला हमें मालूम है, और बाइबल यही लिखा है दूसरी आज्ञा का उल्लंघन है, प्रभु का नाम को व्यर्थ में व्यवसाय बिजनेस बनाने वालों को आप साथ दे करके पाप कर रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर ये दूसरी आज्ञा के विषय में भी लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम थोड़ा अंतकरण की जांच करेंगे। आंखें बंद करें और अंतकरण की जांच करें, क्या मैंने कभी प्रभु का नाम लेकर के झूठ बोला है, कसम खाया है, क्या प्रभु के निंदा कभी किया, या प्रभु के विरुद्ध में कुटकुटाया, या हमारे मन में डाउट लगा प्रभु है कि नहीं, मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, ऐसे पापों के लिए हमें क्षमा मांगना है। प्रभु का नाम लेकर के बिजनेस करना, चंगाई का, चमत्कार का, हाथ रख करके प्रार्थना करने का, घर में आकर के प्रार्थना करने का, या किसी संस्कार के लिए प्रार्थना पैसा मांगना, तेल भेजना, ये पवित्र वस्तु है बोल करके ऐसा पानी तेल ये सब प्रार्थना कर करके भेजना, ये कैटेकिस्म कैथोलिक चर्च कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2121 के अनुसार ये सब गलत है ऐसा व्यापार। प्रभु ने हमें विशेष रूप से चुना है प्रभु का कार्य के लिए, पुरोहित बनने, सिस्टर बनने, या प्रभु का सेवा करने के लिए, उसके लिए हमने मन्नत लिया है, क्या हमने उसको पूरा किया, बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन नहीं जिया,
ब्रह्मचर्य का हमने व्रत लिया लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जिया, हमने अनुसरण का व्रत लिया लेकिन हम इस प्रकार का ओबीडियंट नहीं रहा, गरीबी का व्रत लिया लेकिन हम अमीरी का जीवन जी रहा है। याद कीजिए, प्रभु का सेवक लोगों का अनादर करना प्रभु का अनादर करने के समान है, पुरोहितों धर्मभवनों का, और उनका पाप का कारण बनना, उन्हें नशा पिलाना, उनके वासना का पाप में गिराना, उनके व्रत उसको हानि पहुंचाना, याद कीजिए। ईसा मसीह के अनुरूप जीवन नहीं जिया, ईसाई है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन मैं ईसा मसीह के अनुरूप नहीं जीवन जिया, बुरे उदाहरण लोगों के सामने दिखाया, याद कीजिए। प्रभु ने अनेकों आशीष दिया, उन आशीषों को हम लोगों के सामने प्रकट नहीं किया, उसके गवाही नहीं किया, प्रभु के से प्राप्त आशीषों को गवाही के रूप में देना, याद कीजिए इस प्रकार का। इस समय पर मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहा है सबों पर प्रभु का आशीष पड़े, जो वचन सुनने के कारण उनको पाप बोध आवे, एक अच्छा पाप स्वीकार कर ऐसे पापों से दूर रहने की कृपा मिले, इनके पूरे परिवार को आशीष मिले, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूं, परीक्षाओं में उनकी मदद मिले, परीक्षाओं में सफल हो जाए, नौकरी मिल जाए, विवाह में बाधा दूर हो जाए, संतानों की आशीष मिले, नशे से मुक्ति मिले, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति मिले, घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो सके, बीमार लोगों को शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिले, सबों को आशीष मिले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।